राधे राधे दोस्तों, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भारती किचन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो आज हम बनाना सिखाएंगे आपको आंवले का मुरब्बा। तो दोस्तों, हमने आंवले के मुरब्बे बनाने के लिए आधा किलो आंवला लिया है। अब हम कांटेदार चम्मच की मदद से ऐसे सारे आंवले को छेद कर देंगे। देखिए, सारे आंवले को मैंने कर दिए। अब इसको हम थोड़ा सा उबाल लेंगे। देखिए, हमने पानी चढ़ा दी है। पानी उबलने लगे फिर सारे आंवले हम इसमें डाल देंगे। देखिए, हम सारे आंवले अब डाल देंगे इसमें। अब हम इस पर फिटकरी डाल देंगे छोटा सा। याद रहे, आंवले ज़्यादा नहीं उबालने हैं हमको दोस्तों। एक उबाल आने के बाद हमको गैस बंद कर देना है। अब हम इंडक्शन बंद करके ढक करके इसको ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे दोस्तों। देखिए, आंवला ठंडा हो गया है दोस्तों। अब चलो, इसका पानी हम निकाल देंगे। अब हम हाथों की मदद से इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो ऐसे दबाकर निकाल लेंगे। अब इसको 3-4 घंटे के लिए धूप दिखा देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज हो गया है धूप दिखाने के बाद। अब हम चाशनी बनाने के लिए 2 कटोरी चीनी लेंगे और 2 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। याद रहे दोस्तों, जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हमको पानी लेनी है। चीनी थोड़ा घुल जाए फिर हम इसमें आंवले को डाल देंगे दोस्तों। अब चीनी थोड़ी खुल गई है, अब हम इसमें आंवले को डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अब इसमें हम 3 इलायची डाल देंगे। और इसको ढककर लो फ्लेम में पकने देंगे। पाँच पाँच मिनट में इसे चम्मच चलाते रहें। देखिए, आंवले का कलर चेंज हो रहा है दोस्तों। जब तक ये रसगुल्ले की तरह ना हो जाए तब तक इसको हमको पकाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आंवला का कलर कितना चेंज हो गया है गुलाब जामुन की तरह। देखिए, अब पक भी गया है ये। अब इसे हम ठंडा होने के लिए 2-3 घंटे रख देंगे। देखिए दोस्तों, ये ठंडा हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है गुलाब जामुन की तरह। चाशनी अंदर तक सींच गया है दोस्तों। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं सालों तक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।